नहीं तेरा सूट भी। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पर SSUP लिखकर सर्च कर लेना है। आपके सामने पहला लिंक आएगा तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से माय आधार का जो पोर्टल है ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप नीचे आएंगे, यहाँ पर एक सर्विस होता है चेक आधार वैलिडिटी, तो इसी वाले सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है इसे आपको यहाँ पर टाइप करना है। जिसके बाद नीचे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो आधार वेरिफिकेशन है ना ये कम्प्लीटेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये चीज चेक करना है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं है, क्योंकि दोस्तों आधार नंबर से अगर आप पैन कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसा कि आप देखेंगे हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। अब लिंक है तो कैसे आप पैन कार्ड डाउनलोड करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्राउजर में टाइप कर लेना है ई फिलिंग और सर्च कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने पहला लिंक आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो इसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपके सामने जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे एक सर्विस दिया होता है इंस्टेंट ई पैन, तो इसी सर्विस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपको दो अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें पहला ऑप्शन है गेट न्यू ई पैन। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो तुरंत के तुरंत आप यहाँ से न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं, जो कि इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस होता है। और इस पैन कार्ड को भी दोस्तों जैसे फिजिकल पैन कार्ड की वैल्यू होती है वही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर बताया गया साफ साफ आप देख सकते हैं। और इस पैन कार्ड को बनाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बस इतना सा काम। ठीक है, आपका पैन कार्ड बन जाएगा। लेकिन बात करें पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पर दिया है डाउनलोड पैन। ठीक है, तो इसी पे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है, क्योंकि आधार कार्ड से पैन कार्ड डाउनलोड करना है, तो आधार नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपके सामने दूसरा स्टेप आ जाएगा जिसमें आपको OTP डालना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा, तो उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जिसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से अगला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आपका पैन कार्ड किस डेट को बना था, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, इस डेट को हमारा जो पैन कार्ड है ये बना था, किस डेट को अप्लाई किए थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दिया है डाउनलोड ई पैन, बस इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर पैन कार्ड PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक पासवर्ड लगा होता है और पासवर्ड यहाँ पर बताया गया है कि पासवर्ड आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है। ठीक है, अब इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है इस तरह के जो है नंबर के तरह, मतलब कि आपको एंटर करना पड़ेगा, ये नहीं कि उसमें स्पेस दे दो ये सब दोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ बताया गया है और उसका पासवर्ड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ जो है बताया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पैन कार्ड को ओपन करके जो है देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका ये पैन कार्ड है, इसे दोस्तों आप जैसे ओरिजिनल पैन कार्ड की वैल्यू होती है वही वैल्यू दोस्तों इसे भी आपको जो है मिलने वाली है। इसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इजीली, समझ गए। तो इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है उसे डालकर अपना पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड दोस्तों ई फिलिंग के पोर्टल से नहीं बना है, अलग जगह से बना है, NSDL या फिर UTI से बना है, तो उसे डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, ब्राउजर में टाइप कर देंगे पैन कार्ड डाउनलोड और सर्च कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलग अलग लिंक देखने को मिलेगा। NSDL वाला लिंक यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, UTI से पैन कार्ड बनाए तो उसके लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर बस आपको अपना पैन कार्ड नंबर आधार नंबर टाइप करना होगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है, उसके बाद ये ऑप्शन है छोड़ देना, यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद बस सबमिट कर देना है। इतना सा काम करने के बाद दोस्तों पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आप आधार नंबर से भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, नॉर्मल डिटेल डालकर भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।